फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मे इट सिम्पल वी आर बैक अगेन विद द हिंदू एनालिसिस फॉर इलेवंथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर ग्यारह जनवरी दो हज़ार चौबीस का एनालिसिस देखेंगे आई होप आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है जो भी हम बना रहे हैं मैंने आपसे एक चीज़ बोली है कि आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ट्रस्ट आप कर सकते हैं ब्लाइंडली uh, मैं इस प्रोसेस से जुड़ा हूँ मुझे पता है क्या आई यू पी सी पूछेगा है, uh, या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं है सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट फ्रेंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर आपसे तो नहीं पूछेगा ये गारंटी है ना तो बिल्कुल आप उसके नोट्स बनाते रहिए जो भी है uh, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा दैट इज़ माई पर्सनल सजेशन कि अपने नोट्स आप बना करके रखें ताकि चाहे मैं अगर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो भी उसको अपने फॉर्म में ज़रूर लिखा करूँ आप लोग है, तो का का है तो लिखना बहुत है में है ना हमेशा underline करके tick करके नहीं काम चलेगा तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ एक और चीज वीडियो लाइक जरूर करिएगा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक या शेयर आप कर सकते हैं फ्रॉम योर एंड वॉट यू प्रीफर है ना तो यू कैन डू आपके इक्का एक, एक, एक दो जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं स्टार्ट uh, करते हैं सवालों के साथ पहला सवाल आप देख सकते हैं सिसल प्लांट के रिगार्डिंग है कल ही न्यूज़ में आया था मैंने पढ़ाया भी था आपको तो लेट्स सी कितना आप कर पाते हैं पहला सवाल है इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर वाटर एंड थ्राइव इन ड्रॉट प्रोन एरियाज दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स इट इज नेटिव टू इंडिया एंड इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स पेपर्स एंड क्लॉथ एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दी एंशियट एजटेक एंड मायन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू बिगिन मेकिंग पेपर आउट ऑफ द दिसल लीव्स ठीक है ना तो कितने स्टेटमेंट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट है ना ये सवाल है Uh, इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो इसके दो स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट इज इट हैज़ द एबिलिटी टू तो स्टोर वाटर एंड थ्राइव इन ड्रॉट प्रोन एरियाज मैंने आपको बताया था मोटा होता है ये तो मोटा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन और ये सारी चीज़ें होती हैं दूसरा स्टेटमेंट इसमें कह रहा है नेटिव टू इंडिया अब मैंने कल आपको बताया था कि एस्टेक और मायन सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ की सिविलाइजेशन थी वो थी सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट की जो मतलब जो नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच वाला जो पोर्शन है ना थोड़ा सा वहाँ पर ये लाई करते जैसे ग्वातेमाल हो गया ये सारी चीज़ें जो हो गई कंट्रीज जो हो गई वहाँ पे हैं तो ये कहना कि इट इज़ नेटिव टू इंडिया तो ये तो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जैसा कि ये भी मैंने कल आपको स्टेटमेंट एक्जैक्टली हु पढ़ाया था तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है कि हाँ एसटेक माइन सिविलेशन विद द फर्स्ट टू यूज सेसल प्लाट्स तो इसका आंसर है टू स्टेटमेंट्स दूसरे सवाल पे आते हैं न्यूटेक प्लास्टिक्स याद रखिएगा न्यूटेक प्लास्टिक्स ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है ये किसका इनिशिएटिव है आ, किस संस्था का इनिशिएटिव है किससे रिलेटेड है ठीक है ऑप्शन आपके सामने हैं पहला है आ, आई ए ई ए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दूसरा है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम तीसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड चौथा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तो न्यूटेक प्लास्टिक्स किसका इनिशिएटिव है इसका आंसर है ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आई ए ई एंड इट इज बेसिकली टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन तो किस लिए इसको रिलीज किया गया है न्यूटेक प्लास्टिक्स को इस इनिशिएटिव को टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ठीक है ना तो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म करने के लिए इसमें प्लास्टिक रिसाइकिलिंग ये ऐसी टेक्निक्स बेसिकली इंट्रोड्यूस की जा रही हैं एंड uh, जो ओशन में प्लास्टिक है उसको भी रिमूव किया जाना किए जाने की बात इसके अंदर की जाती है तीसरे सवाल पे आते हैं विद रिस्पेक्ट टू एटिको पक्का टॉयज एटिको पक्का टॉयज के बारे में स्टेटमेंट्स हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट थी, टॉयज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश दूसरा कह रहा है एटिको पक्का टॉयज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट तीसरा कह रहा है दिस टॉयज द साइड्स तो इसमें कितने स्टेटमेंट्स हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट सही है या एक भी सही नहीं है Uh, इसका जो करेक्ट आंसर है वो थ्री ऑल थ्री आर करेक्ट तीनों ही सही हैं याद रखेगा एतिको पक्का टॉयज जो है ये आंध्र प्रदेश के जीआई आई इंडिक जी आई टैक्स हैं है ना तो याद रखिएगा इनमें से कोई शार्प पेजेज नहीं होते राउंडेड होते हैं फ्रॉम ऑल साइड्स अब कुछ ऐसे न्यूज आइटम्स जो हिंदू में तो नहीं आए थे लेकिन आ, दूसरे न्यूज़पेपर्स में इंडियन एक्सप्रेस में या टाइम्स ऑफ इंडिया में या लाइव मिनट में, आ, लाइव में फैक्ट के रूप में आए थे तो एक प्रोग्राम के बारे में आया था माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है ए आई प्रोग्राम याद रखेगा ए आई ओडीसी प्रोग्राम लिख जी अपने नोट्स में एआईओडीसी प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ने एनवील किया है इट्स एम्बिशियस प्रोग्राम जो कि बेसिकली विच एम्स टू प्रोवाइड एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू नियरली वन लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अक्रॉस द इंडिया तो एआईओडीसी बेसिकली एम्स टू प्रोवाइड एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईओडीसी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है जो कि चाहता है कि ए आई रिगार्डिंग जो एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग है वो लगभग एक लाख सॉफ्टवेयर uh, डेवलपर जो है क्रॉस देंडी उनको मिलेगी ठीक है ना इट्स अ मंथ लॉन्ग फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम याद रखिएगा एक महीने का है फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम है विच अलाउज एनीवन पैशनेट अबाउट एआई टू रजिस्टर्ड एंड एक्सेस लर्निंग कंटेंट टेलर्ड टू हेल्प देम ठीक है Uh, ये एक न्यूज़ हो गई दूसरी न्यूज़ में आते हैं तो डेनिश गवर्नमेंट जो है यानी कि डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है इट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया जी एफ ए आई याद रखिएगा डेनिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इंडिया और डेनिश गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किया है तो उसने अनाउंस किया जी एफ ए आई यानी कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया विच इज़ अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट एडवांसिंग कोलेबोरेशन बिटवीन डेनमार्क एंड इंडिया इन द सस्टेनेबल एनर्जी सोलूशन सेक्टर मतलब एक ये इनिशिएटिव है आ, किस फील्ड में सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशंस फील्ड में मतलब कि ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करना जो सस्टेनेबल एनर्जी हो है ना ऑब्वियसली बात है जो फ्यूचर जनरेशंस तक के लिए है ज्यादा इसमें वेस्टेज ना हो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड कार्बन न्यूट्रलिटी भी अचीव हो तो याद रखेगा ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया डेनमार्क के साथ तीसरी न्यूज़ है ट्राइको लाइम, ट्राइको लाइम क्या है तो आई आई एस आर यानी कि आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ने आई आई एस आर ने डेवलप किया है न्यू ग्रेन्यूलर लाइम बेस्ड ट्राइकोडर्मा बायोपेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ट्राइकोडर्मा बायो फर्टिलाइजर बायोपेस्टिसाइड इसका नाम उन्होंने ट्राइकोलाइम दिया है याद रखेगा ट्राइकोलाइम अब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च सॉरी आई जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ये आई का एक uh, इंस्टीट्यूट इन, है इज ये कोजिकोड केरला में है विच हैज डेवलप्ड अ न्यू ग्रेन्युलर लाइम बेस्ड ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन लाइम बेस्ड ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन विच इज अ फंगल बायो कंट्रोल एजेंट ये फंगल बायो कंट्रोल एजेंट है है ना एंड ट्राइकोलाइम क्या है इट्स अ ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा इज अ फंगल बायो कंट्रोल एजेंट प्रजेंट इन ऑल द सॉइल्स एंड इट इज अ जीनस ऑफ फंगाई दैट कैन बी फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सॉइल्स बेसिकली है ना तो इसी की मदद से बनाया गया ये बायो कंट्रोल एजेंट याद रखेगा ट्राइको लाइम इसको आप न्यूज़ में याद रख सकते हैं एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी न्यूज़ में वो थी ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश में है ईगल नेस्ट बायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है एंड इसमें कुछ कुछ जो बता दूँ आपको ये ईस्टर्न हिमालयास का एक बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है एंड इसके आसपास आपको सेसा ऑर्चिड सेंचुरी मिल जाएगी और पखई टाइगर रिजर्व ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पखुई टाइगर रिजर्व भी तो वो भी आपको यहां मिल जाएगा इसके आसपास ठीक है तो दीज वर द न्यूज आइटम्स फ्रॉम द फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड ऑल अब हम आज के हिंदू में मूव करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे जो न्यूज़ आइटम्स हैं वो सारे हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है चाइना का जो पॉलिसी डिलेमा चल रहा है इस समय और क्या हो रहा है चाइना में तो चाइना की इकॉनमी में सबसे बड़ी इशू जो आ रही है देखो सिंपल सी बात है हर जगह की इकॉनमी सेम तरीके से ही चलती है जैसा हमने इंडिया में पढ़ा है ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वैसा वहाँ पर भी है अच्छा एक चीज़ आप समझिए जैसे अगर कंजम्पशन बढ़ेगा अगर कंजम्पशन किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी है ना ग्रोथ बढ़ती है और मैंने आपको बताया था कि लेकिन जब कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो मैंने डिमांड जब ज्यादा बढ़ लेती है तो प्राइजेस भी बढ़ने लगते हैं ना तो प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं मतलब इन्फ्लेशन हो जाता है तो एक चीज होती है कि जब कंजम्पशन बढ़ता है तो ग्रोथ बढ़ती है लेकिन वो इन्फ्लेशनरी होता है इसका अपोजिट क्या होगा इसका अपोजिट होगा कि बिल्कुल आपका डिमांड नहीं है है ना ऑब्वियस सी बात है अपोजिट क्या है कि डिमांड बिल्कुल डिक्रीज है अब डिमांड अगर डिक्रीज है तो प्राइजेस क्या होगा डिक्रीज हो जाएंगे प्राइसेस डिक्रीज होगी तो डिफ्लेशनरी प्रेशर आएगा है, है ना क्योंकि मतलब डिमांड ही नहीं है ना मतलब लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को ऐसे में गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो बिजनेसेस हैं तो उनके पास सॉरी पा, जो लोग हैं उनके पास पैसा पहुंचे ताकि वो कंजम्पशन को इंक्रीज करें ठीक है ना कंजम्पशन को इंक्रीज करें अब यहाँ चाइना में वही दिक्कत हो रही है चाइना में दिक्कत ये हो रही है कि देखो देर इज अ थ्रेट ऑफ डिफ्लेशन देखो लिखा है ना द थ्रेट ऑफ डिफ्लेशन इज देयर मतलब मोर क्रेडिट इज फ्लोइंग इन प्रोडक्टिव फोर्सेज रादर देन कंजम्पशन

भैया इंटरेस्ट कट करें ताकि लोग ज़्यादा लोन ले सकें अगर ज़्यादा लोन लेंगे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है तब जा करके उनके पास पैसा रहेगा कि वो चीज़ें खरीद पाएंगे और ये एक इंटरेस्ट कट जो है दैट कैन बी वन ऑफ द पॉलिसी मेजर्स ठीक है अब इसी न्यूज आइटम में एम जीरो एम वन के बारे में लिखा था एक बार मैं आपको मनी सप्लाई के बारे में बता देता हूँ मनी सप्लाई के अलग अलग मतलब टाइप्स में मनी सप्लाई होती है जैसे कि पहला है एम m0 को हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं क्या बोलते हैं बेस मनी या फिर हाई पावर्ड मनी बोलते हैं m0 को तो m0 के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट हैं uh, m0 के अंदर निम्नलिखित कंपोनेंट हैं करेंसी इन सर्कुलेशन जो सर्कुलेशन में करेंसी चल रही है वो प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई जो बैंकों का डिपॉजिट आरबीआई के पास है वो एंड तीसरा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई तो कुल मिलाकर के बेस मनी जो होता है मतलब जो बाकी मनी सप्लाई का बेस बनाती है हाई पावर्ड मनी होती है वही आपकी एम जीरो कहलाती है इसमें सर्कुलेशन हो गया प्लस बैंकों का डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है प्लस अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है ठीक है इसी को रिजर्व मनी भी कहा जाता है बेस मनी रिजर्व मनी हाई पावर्ड मनी ये सारी चीजें आपको टर्म याद रखने हैं अब एम वन में क्या होता है एक एम वन होती है मनी सप्लाई में एम वन मतलब करेंसी विद द पब्लिक जो पब्लिक के पास करेंसी सर्कुलेट हो रही है आ, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन ऑल द बैंक्स डिमांड डिपॉजिट इन ऑल द बैंक्स डिमांड डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट जो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के रूप में है है ना मतलब इसमें आपका फिक्स डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स नहीं इंक्लूड होते हैं तो एम वन में क्या क्या चीज आती है करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स ठीक है प्लस अदर डिपॉजिट विद द आर बी आई तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज एम वन एम वन को आप क्या बोलते हैं नैरो मनी एम वन इज नोन एज द नैरो मनी ठीक है ये भी याद रखेगा लिखा नहीं यहाँ पे लेकिन याद रखिएगा M2 अब आया M2 में जब आते हैं हम तो M1 जो है हमारे पास मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस जो आपका डिमांड डिपॉजिट्स हैं प्लस जो आपका अदर डिपॉजिट्स आर बी आई में उसके साथ अगर आप पोस्ट ऑफिस बैंक जो होते हैं उनकी सेविंग अकाउंट्स भी ऐड कर दें उनके भी सेविंग अकाउंट ऐड कर दें तो एम टू बन जाएगा है ना मतलब कि एम वन के साथ अगर आप पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग्स अगर इंक्लूड कर दें पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग्स इंक्लूड कर दें तो फिर आप एम टू मिल जाएगा ठीक है ना अब पोस्ट ऑफिस जो है वो भी ऑफर करता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स है ना तो यहां पे जो हम सेविंग्स की बात करेंगे तो ये डिमांड डिपॉजिट से होंगे ना? पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स से यानी कि पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट ठीक है तो जैसे हमने एम वन में क्या किया था एम वन में हमने क्या किया था कि आपका करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक किया था यहाँ पे एम टू जो होगा वो एम वन प्लस पोस्ट ऑफिस के भी आपके डिमांड डिपॉजिट्स के सेविंग हो जाएंगे ठीक है पोस्ट ऑफिस वाले भी हो जाएंगे लेकिन सेविंग वो डिमांड डिपॉजिट टाइप के रहेंगे अब एम थ्री में अगर आएंगे तो एम थ्री मतलब होता है आपका ब्रॉड मनी या फिर उसको एग्रीगेट मनी भी बोलते हैं याद रखिएगा ब्रॉड मनी या एग्रीगेट मनी और अभी जो हमने एम वन पढ़ा था उसमें अगर अपन केवल टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स यानी कि जो उसके फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, वो ऐड कर दें एम वन में टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दें एम वन खुद क्या था एम वन खुद था आपका करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स अब M3 जो है उसी में ऐड करते हुए मतलब उसमें जो डिमांड डिपॉजिट बस था उसके साथ साथ अब अब आप टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड कर दीजिए है ना कमर्शियल बैंक्स के जिसमें फिक्स डिपॉजिट्स और आरडी आ जाएगा आपका तो M3 बन जाएगा ये ब्रॉड मनी या फिर एग्रीगेट मनी कहलाता है और M4 मतलब कि आपका जो एम एम है जो एम है मतलब एम था प्लस उसमें टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड हो गए थे कमर्शियल बैंक के अब अगर आप इसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग जो है मतलब पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो भी अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एम फोर एम फोर में याद रखेगा एम थ्री प्लस या वो होता है ये अच्छा अब यहां पे एक और चीज याद रखेगा कि इसकी लिक्विडिटी का ऑर्डर पूछा जाता है तो सबसे लिक्विड होता है एम वन फिर एम टू फिर एम थ्री फिर एम फोर ठीक है ना लिक्विडिटी का ऑर्डर अगर हम पूछेंगे तो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एक और टर्म होता है वेलासिटी ऑफ मनी सप्लाई वेलासिटी ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है कि एक रुपया पैसा जो है वो कितनी बार हैंड्स चेंज कर रहा है मतलब कि आपने मान लो दस रुपए का पेन uh, खरीदा किसी की दुकान से ठीक है तो एक बार तो एक्सचेंज

टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉन्स ऑफ रिटर्न टू डार्क फेजेज ऑफ फॉर इंडस्ट्री तो अब टी इंडस्ट्री का जो डार्क फेज था वो पीरियड कहलाता है 2002 से 2007 का पीरियड याद रखिएगा इंडिया की टी इंडस्ट्री जो है वो उसका जो डार्क फेज़ है वो 2002 से 2007 का है अभी क्या दिक्कतें चल रही हैं दिक्कतें चल रही, दिक्कते रही स्टैगनेंट प्राइज की प्राइज नहीं बढ़ रहे हैं ओवर सप्लाई सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है वाइडनिंग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है एंड

टी एक्ट चाय का भी अधिनियम है चाय अधिनियम उन्नीस उसके तहत इसको 1 अप्रैल उन्नीस को बनाया गया था वन फर्स्ट अप्रैल 1954 को ये टी बोर्ड बनाया गया था एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी तो ये आप याद रख सकते हैं होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आगे मूव करते हैं आई एल ओ वॉन्स ऑफ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इन द रियल वेजेस तो यहाँ पे आई एल ओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी एक रिपोर्ट निकालता है रिपोर्ट का नाम आप लोग लिख लीजिए वर्ल्ड आउट एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक क्या नाम है रिपोर्ट का वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ये रिपोर्ट यहाँ पे देखो लिखी है 2024 की इन्होंने निकाली है जिसमें उन्होंने कहा कि जो 2024 आने वाला है उसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा एंड रियल वेज जो ग्रोथ है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी यू विल नॉट सी यू विल सी अ डिक्लाइन इन द रियल वेजेस प्लस यू विल सी अ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना ये भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये दो चीजें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मैंशन की है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट आई एल ओ के बारे में अगर हम बताएं तो आई एल ओ बना था उन्नीस सौ उन्नीस में ट्रीटी ऑफ वर्सेलस के टाइम पे एंड लीग ऑफ नेशंस से एफिलिएटेड था इसके अलावा ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी बन गया 1946 में हेड क्वार्टर इसका जनीवा स्विट्जरलैंड में है फाउंडिंग मिशन है सोशल जस्टिस इज असेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस इट प्रमोट्स इंटरनेशनली रिकोगनाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स इट रिसीव्ड नोबल प्राइज इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग द क्लासेज एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लेड अ की रोल ग्रेट डिप्रेशन एज वेल मतलब बहुत ज्यादा काम किया लेबर राइट के फील्ड में लेकिन ठीक है थिंग विच इजर आगे मूव करते हैं ए आई पावर्ड मिस इंफॉर्मेशन बिगेस्ट शॉर्ट टर्म थ्रेट टू द ग्लोल इकोनॉमी अब एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिपोर्ट आती है ठीक है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सी रिपोर्ट आती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट लिख लीजिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है एक रिपोर्ट उसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और इसमें इस रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है करंट टाइम्स दो हजार तेईस चौबीस पच्चीस की जो आने वाला समय है करंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी वो है फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन विच विल बी देयर बिकॉज ऑफ द कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने डी फेक डी फेक्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने वो फेक्स आपको फ़ोटोग्राफ्स में भी देखने को मिल रहा है वो फेक्स आपको वॉइस में भी देखने को मिल रहा है वीडियोस भी बहुत जल्दी आ जाएंगे और आ ही गए हैं मार्केट में हालांकि तो फेक वीडियोस फ़ेक ऑडियोस ये सब चीज़ें आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा बहती जा रही हैं है ना तो दिस इज़ द फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आप रियल को आर्टिफिशियल से मतलब वो नहीं कर पाएंगे डिस्टिंगश नहीं कर पाएंगे है ना तो ऑल दिस थिंग्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर एंड ये आप याद रखिएगा आगे मूव करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं यहाँ पे यू कैन मूव अहेड विद मी आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे है वाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हेविल इन द लास्ट वीक ऑफ 2023 तो क्यों इतना ज्यादा फॉग था तो यहाँ पे इस न्यूज आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर लें फॉग क्या होता है फॉग इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड वेन इवेपोरेटेड वाटर हैज़ कूल डाउन एंड कंडेंस्ड तो फॉग एक कलेक्शन है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का विच इज़ प्रोड्यूस्ड वेन इवेपोरेटेड वाटर हैज़ कूल डाउन एंड कंडेंड ठीक है ना तो कंडन की जो प्रोसेस होती है एवेपोरेटेड वाटर में और वो कूल cool डाउन करता है और स्मॉल uh, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है वो फॉग कहलाता है ठीक है ना फॉग इज नथिंग बट अ थिक क्लाउड बट वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस तो आई एम डी के एक वाइस चांसलर हैं उनका ये कहना है कि फॉग कुछ नहीं है मोटा क्लाउड है बट ये क्लाउड जो होता है वो सरफेस के बहुत क्लोज होता है एंड ये थिक फॉग बनने के लिए टेम्परेचर शुड बी लोअर एंड अबंडेंट मॉइस्चर शुड बी अवेलेबल नियर द सर्फेस तो टेम्परेचर कम होना चाहिए यानी कि ठंड का टाइम होना चाहिए प्लस मॉइस्चर अबेंडेंट होना चाहिए दो कंडीशन है मतलब ठंड का टाइम टेम्परेचर कम और मॉइस्चर ज़्यादा ठीक है ना और वो दोनों कंडीशन जो थी आपकी दिसंबर में फुलफिल हो रही थी इसीलिए फॉग बन रहा था ठीक है तो यहाँ पे देखो लिखा कि फॉग तब बनता है जब डिस्पैरिटी इन टेम्परेचर होती है मतलब कि ग्राउंड और एयर के टेम्परेचर में अंतर हो या तो ग्राउंड गर्म हो एयर ठंडी हो या तो एयर गर्म हो और ग्राउंड ठंडा हो दोनों में से कुछ चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ विंटर में आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है ना एंड इसलिए आपने देखा होगा विंटर्स में आपको पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी भी देखने को मिलता होगा है ना ड्रॉपलेट्स आपको बहुत देखने को मिलती हैं ठीक है क्योंकि ऑल बोथ कंडीशंस आर बिंग सेटिस्फाइड कई बार टेम्परेचर ज़्यादा जाता है एंड uh, जो एयर है वो बहुत ठंडी रहती है और ग्राउंड जो है वो आपका गर्म हो जाता है कई बार जल्दी है ना तो दिस इज द थिंग विच इज़ देयर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे फॉग के जो तरीके हैं बनने के वो यहाँ पे लिखे हुए एक है इन्फ्रारेड कूलिंग के थ्रू बनता है देखो लिखा है फॉग फॉर्मेशन थ्रू इंफ्रा कूलिंग देखो लिखा है ना तो लिख लो आप लोग फॉग फॉर्मेशन थ्रू इन्फ्रा कूलिंग तो ये कब होता है वेन वेदर इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम समर टू विंटर जब वेदर ट्रांजिशन करता है समर टू विंटर तो समर में क्या होता है जब ग्राउंड एब्जॉर्व रेडिएशन फ्रॉम द सन है ना सन से रेडिएशन ऑब्जॉर्व करेगा ग्राउंड गर्म रहेगा एंड उसके ऊपर मॉइस्टेयर जब पास करेगी है ना और मॉइस्टियर uh, उसके ऊपर पास करती है तो जब वेदर कूल cool होता है द मास ऑफ वॉर्म मॉइस्टेयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्रोसेस दैट कूल इट है ना तो दैट इज द थिंग विच इज देयर एंड अभी ग्राउंड गर्म था हवा ऊपर बह रही थी जिसमें थोड़ा मॉइस्चर था अब ठंड आने लगी ठंड आने लगी तो उसमें ऑफिस के तक कुछ जो फोर्सेज हैं वो हवा को ठंडा जल्दी करने की कोशिश करेंगे हवा को ठंडा करने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो यहां पे क्या होगा द कूलर वेदर जब होगा तो एयर किसके कॉन्टैक्ट में आएगी ठंड के कांटेक्ट में आएगी एंड जब कोलिजन होगा वाटर वेपर का इस ठंड ठंड के साथ तो फिर यहाँ पे फॉग बनेगा इसको आप क्या बोलते हैं इंफ्रारेड इंफ्रारेड कूलिंग बोलते हैं दूसरा जो फॉग होता इसको है उसको रेडिएशन फॉग बोलते हैं ये तब होता है जब अन uh, uh, जब किसी गर्म दिन में हाई uh, ह्यूमिडिटी आ जाए एंड उसमें अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप कर जाए ठीक है ना हाई अचानक से अनसीजन मतलब सीजन में नहीं होता है किसी अनसीजनेबली अगर गर्म कोई दिन चल रहा है और अचानक से उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए और मॉइस्चर आ जाए जो जो दो कंडीशन पीछे मैंशन की गई थी तो ये फिर आपका रेडिएशन फॉक कहलाता है ठीक है दीज आर द थिंग्स आर देयर आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट सेम ये नॉर्थ uh, इंडिया में भी यही दिक्कत है हमारे यहाँ इंटायर जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो प्रोन है टू तो द फॉर्मेशन ऑफ फॉग ड्यूरिंग विंटर सीजन क्योंकि सारी कंडीशन है लो टेम्परेचर भी है विंड स्पीड भी लो है एंड मॉइस्चर अवेलेबिलिटी एंड प्लानी ऑफ एरोसोल ये चार कंडीशन अब आप लोग लिख लीजिए ये आपका क्रैक्स हो जाएगा फॉग की कौन कौन सी कंडीशन आ गई लो टेम्परेचर लो विंड स्पीड अवेलेबिलिटी एंड प्लेंटी ऑफ एरोसोल्स ये सारा चीज़ें नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल है इसीलिए नॉर्थ इंडिया में आपको फॉग इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा द लॉज अराउंड द रिमिशन पॉलिसी अभी बिल्किस बानो का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कन्विक्ट उनको रिमिशन नहीं दे सकती है uh, आपकी गुजरात गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन दे दिया था है ना अर्ली प्री मैच्योर रिलीज जिसको बोलते हैं प्री मेच्योर रिलीज दे दिया था क्लीवेंसी uh, के पावर्स की बात करें तो आर्टिकल सेवेंटी टू में प्रेजिडेंट के पास है आर्टिकल वन सिक्सटी वन में गवर्नर uh, के पास है जिसमें वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन कम्यूटेशन रिमिशन रिस्पाइट रिप्रीव है ना ये सारी चीजें uh, आप लोग से एक छोटा सा सवाल ये कि इन सब के बारे में लाइन दो दो लाइन लिख के बताइए मुझे क्या क्या होती है रिमिशन में जैसे टर्म घटता है कम्यूटेशन में क्या होता है रिस्पाइट में क्या होता है रिप्राइव में क्या होता है है ना ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अब याद रखेगा ये इसके अलावा एक स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है ये लिख लो इंपॉर्टेंट है क्लेमेंसी की जो ऊपर हमने पावर पड़ी। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास सेक्शन 432 जो सीआरपीसी है 1973 का उसके अंतर्गत एक पावर दी गई थी जिसमें द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में रिमिट द होल और पार्ट ऑफ द पनिशमेंट टू विच द कन्विक्ट हैज बीन सेंटेंस ठीक है ना द uh, ये पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट फोर सेक्शन फोर थर्टी के इन विच दिन रिमिट द होल और

जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एंड फोर थर्टी थ्री ए बताता है कि अगर लाइफ कन्विक्ट है तो चौदह साल की मिनिमम जेल होनी चाहिए अब दिक्कत यही थी अब ये जो केस था इसमें जो कन्विक्शन हुआ वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया लेकिन जहाँ जेल थी वो जो जहाँ भी ये फाइनली गए वो गुजरात गवर्नमेंट थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इशूज़ देखे सबसे पहले तो उन्होंने ये देखे द प्रोविजन ऑफ सी आर पी सी आर क्वाइट क्लियर दैट द एप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग द रिमेशन एप्लीकेशन शुड हैव बीन महाराष्ट्र वेयर द सेंटेंसिंग नॉर्थ गुजरात वेयर द ऑफेंस वॉज कमिटेड तो यहाँ पे इन्होंने देखा ये चीज़ की जो रिमिशन के लिए जो गवर्नमेंट कंसीडर करनी थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंसीडर करनी थी क्योंकि महाराष्ट्र में कन्विक्शन हुआ था नॉट द गुजरात वेयर क्राइम वॉज कमिटेड गुजरात में क्राइम हुआ था लेकिन महाराष्ट्र में फाइनल वो हुआ था तो पहली चीज़ तो यह कि गुजरात गवर्नमेंट दे नहीं सकती थी दूसरा द लॉ रिक्वायर्स द ओपिनियन ऑफ द प्रोसाइडिंग जज ऑफ द जज ऑफ द कन्विक्टिंग कोर्ट टू बी ऑप्टेन बिफोर कंसिडरिंग द रिमिशन पिटीशन रिमिशन पिटीशन कंसिडर करने से पहले पहले आपको ओपिनियन लेना पड़ता है कन्विक्शन कोर्ट uh, conv जब कन्विक्शन हुआ था जो कोर्ट को हेड कर रहा था उस जज का वो लेना पड़ता है यह प्रोसेस यहां फॉलो नहीं की गई इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण नस्कर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में लेड डाउन किए हैं फाइव ग्राउंड ऑन विच रिमिशन इज टू बी कंसिडर्ड सुप्रीम

हाँ पे फिट नहीं बैठता है इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 में आ, हेल्ड किया कहा कि कन्विक्टिंग लाइफ सेंटेंस इमेंट डज नॉट तो उन्होंने ये कहा था कि जो लोग लाइफ सेंटेंस कर चुके हैं कर रहे हैं एंड चौदह साल का कंप्लीशन कर चुके हैं तो उनको आप ऐसे मत रिलीज करो केस ऑन केस बेसिस पर ही रिलीज करो है ना जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कर लिया है सेंटेंस में चौदह साल इसलिए मत रिलीज करो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ठीक है आ, ये सारी चीजें थी अब गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया गुजरात गवर्नमेंट ने दो में रिमिशन पॉलिसी को अपना चेंज किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम रेपिस्ट और इन सबको नहीं देंगे ठीक है ना बार कर दिया रिमिशन से लेकिन चूंकि बिल्किस बानों का केस पुराना था तो उन्होंने कहा कि आपको हम पुरानी पॉलिसी के थ्रू रिमिशन दे देते हैं तो वो गलत हो गया है ना दैट वॉज ऑल्सो रॉन्ग तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि नहीं ये गुजरात गवर्नमेंट इज़ नॉट दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग द रिमिशन पटिशन और इन्होंने यही सब करते उसको नलीफाई कर दिया तो आप याद रखेगा ये पूरा माजरा था आ, लास्ट एडिटोरियल जो है वो हम डिस्कस करेंगे मॉडीव इंडिया के रिलेशन के ऊपर एक बॉयआउट मालदीव्स नाम का वो चल रहा है मैंने भी उसमें एक वीडियो बनाया था कि बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि कोई गवर्नमेंट हमारे को आके दिखाए वो, वो 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 वैलिड नहीं है ना ये चीज़ हम नहीं मान सकते आप कितने भी वो होंगे मल्लम होंगे लेकिन Uh, अपनी कंट्री अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमारा जो लीडर है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं है ना तो मैं तो अभी वही चीज़ बोलूँगा हाँ यहाँ ये ज़रूर बात है कि अगर मुजू के दिमाग आ जाए अगर जो मतलब प्रेजिडेंट है मॉल का उसके अगर दिमाग आ जाए तो वो डेफिनेटली हम लोग ऐसा नहीं हम इंडियनस हैं तो रेजिट्रिकेट करते हैं जो हमको प्यार करता है एक कदम आगे बढ़ता है तो हम लोग दस कदम आगे बढ़ जाते हैं तो पहले तो लेकिन एक कदम उसको मुजू को बढ़ाना पड़ेगा तो वो मेरा पर्सनल मानना है लेट्स सी क्या होता है बाकी चीज़ें यहाँ है सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम आउटर स्पेस Uh, यहाँ पे एक छोटा सा नाम है मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ अम, अमाते रासू ये देखो तो लिखा है ना अमा तेरासू देखो लिखा है ये अब दिख रहा होगा आपका अमाते रासू तो हुआ क्या था एक हाई एनर्जी कॉस्मिक रे आपको देखने को मिली थी तोशी हीरो फ्यूजी को याद रखिएगा तोशी हीरो फ्यूजी एक जैपनीज साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया कि भैया एक हाई एनर्जी कॉस्मिक रे इवेंट उनको देखने को मिला उन्होंने उसका नाम अमाते रासू रखा है ठीक है ना एंड इट इज़ द सेकेंड हाइएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे इवेंट जो कि डिस्कवर हुई है एंड इसीलिए जैपनीज सन गॉडेस जो है अमातेरासु उसके ऊपर ये नाम रख दिया है ठीक है ना अब ये जो अमाते रासू है बेसिकली ये जो कॉस्मिक रेज है वो बहुत कुछ बता सकती हैं सन के और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इन सब के बारे में जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं पहली ऐसी जो ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम बियॉन्ड आर सोलर सिस्टम जो हमारे सोलर सिस्टम से नहीं बट बियॉन्ड आर सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हो रही हैं कॉस्मिक रेज उसमें आपका उनको कहते हैं गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज जी बोलते हैं ठीक है ना दूसरी होती हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो कि कॉस्मिक रेज सन एमिट करता है इसको हम सोलर कॉस्मिक रेज बोलते हैं तो एक होता है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज और

I आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट सो अंडर न्यू डी स्टेट tableau फील्ड टेब्लू वंस इन थ्री ईयर ऑब्वियस बातें बहुत ज्यादा issue होते हैं कि कौन सा state tableau showcase करेगा 26 जनवरी की parade में और जैसे कर्नाटक है तो 15 से अभी तक उसने हर साल अपना tableau दिया है but कुछ states को मौका नहीं मिलता तो कई बार discussion चल रहे थे अब उन्होंने एक नई deal निकाली defence ministry ने मिलकर के कि हर state को हर तीन साल में एक बार अपना tableau देने का मौका मिलेगा तो दैट इज़ अ गुड थिंग सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप ले लैटर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग शेरिंग थैंक यू डर नाइज डे